उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बदल रहा है। गुरुवार की सुबह दिल्ली में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो गया, धूप खिली रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में अब तापमान में बढ़त होने वाली है। हालांकि कुछ राज्यों में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रह सकता है। तो वहीं आज आसमान साफ रहने के आसार हैं। दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में बढ़त देखी जाएगी। तो वहीं अब आपको बताएंगे कि बारिश कब होगी। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से सीजन में पूर्वानुमान भी मुश्किल हो रहा है, और यही वजह है कि 3-3 घंटे के नाउकास्ट पर लोगों को नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल बुधवार को पूर्वानुमान में राजधानी में अभी इसी हफ्ते मौसम और चकमा देगा। बूंदाबांदी के साथ इस हफ्ते आंधी की भी संभावना बनी हुई है, यानी तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला अभी बदस्तूर जारी रहने वाला है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रह सकता है। लखनऊ में भी आज आसमान साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ में आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने वाला है। गाजियाबाद में भी आज आसमान साफ रहेगा। पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी संभव है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ये कमजोर है, लेकिन इसकी वजह से कई बार सिस्टम अचानक बनते हैं। लोकल स्तर पर भी नमी बढ़ने की वजह से स्थानीय स्तर पर बादल बनते हैं और इनकी वजह से बदलाव दर्ज होते हैं। यही वजह है कि इनका पूर्वानुमान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउकास्ट में इसकी जानकारी मिलती है और हर 3 घंटे पर मौसम को लेकर नाउकास्ट मौसम विभाग की साइट पर किया जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।